नीति आयोग भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन आर्यनगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मुख्य अतिथि सप्तम मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह के द्वारा किया गया, जिसके संबंध में संयुक्त शिक्षा निदेशक ने बताया कि प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती है, केवल संसाधन की आवश्यकता होती है, जो अटल टिंकरिंग लैब के रूप में मिला है, जिसका उचित प्रयोग करके नवाचार में देश के प्रति अपना योगदान दे। उन्होंने कहा कि अटल टिंकरिंग लैब पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का सपना था, जिसके द्वारा बच्चे आज समाज के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। नवाचार से ही हम अपने जीवन को और सुलभ बना सकते हैं। इस अवसर पर प्रधानाचार्य विष्णु प्रताप सिंह, सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, शिवाजी सिंह सहित अन्य विद्यालय के छात्र एवं अध्यापक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सप्तम मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह ने कहा, अटल टिंकरिंग लैब भारत सरकार के सहयोग से की स्थापना विद्यालयों में की जा रही है, और इसके लिए भारत सरकार से धनराशि मिलती है। सीधे विद्यालय उसके लिए डिमांड करते हैं और विद्यालय को सीधे भारत सरकार से धनराशि मिल जाती है, और उसके आधार पर ही अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करते हैं। इसके पीछे जो सोच है उसका मूल उद्देश्य है कि जो बच्चों में
खोजी प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का विकास किया जाए और उसके माध्यम से बच्चे जो है कुछ न कुछ नई चीज़ लेकर के आएँ ताकि वह हमारे उपयोग में और हमारे वो काम के उसमें काफ़ी मददगार साबित हो, सहयोगी सिद्ध हो। और इसी के संदर्भ में यहाँ जो है एक अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की गई है और काफ़ी बच्चों ने अपने मॉडल बनाए हैं और एक दो मॉडल तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छे हैं, अगर उनका उपयोग होता है तो हमें कहीं ना कहीं आगे बहुत इसमें सहयोग मिल सकता है।